प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यालय के अंतिम समय अपने धन अध्या मित्रों को जाने अनजाने फिर मदद कर गए। 5 साल तक अपनों को मदद कर दंश झेलते मोदी को इस बात का आभास न था कार्यालय के अंतिम समय ऐसा हो जाएगा। नई सरकार किसकी बनेगी यह तो 23 मई के परिणामों के बाद तय होगा, लेकिन चुनाव के बाद आए ओपिनियन पोल में जिस तरह से मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनता दिखाया गया उसके बाद शेयर बाजार में जिस तरह का उछाल आया और 19 मई की शाम से अगले 3 दिन में 1700 अंक की हुई बढ़त के बाद विभिन्न कंपनियों को 7 लाख करोड़ की आमद का आकलन किया गया उससे कई कंपनियां तय हो गई। यद्यपि यह रकम शेयर्स की बड़ी कीमतों से मानी गई है। जानकारों के अनुसार देश के दोनों शेयर बाजारों में इस बढ़ोतरी के बाद 2 दर्जन कंपनियों को अधिक लाभ में माना गया। इनमें रिलायंस ग्रुप, अदानी पोर्ट, PVR, SBI आदि शामिल है। इनमें से अधिकांश मोदी के चहेते उद्योगपतियों की है। बाजार के जानकारों का कहना है कि यूं तो शेयर बाजार में रोजाना 4 से 5 लाख करोड़ का लेन देन होता है, परंतु शेयर की दरों में यह इजाफा लेन देन के आधार पर माना गया है। वैसे इन कंपनियों के हुए लेन देन में आम इन्वेस्टर को 35 से 40 करोड़ का फटका लगा, यानी यह सरकार जाते जाते भी सामान्य वर्ग को यह तोहफा दे गई।